Hey guys, welcome to Social Friend YouTube channel. एक्सेल के इस कड़ी में पिछले सेशन मैंने बताया था अटेंडेंस बनाना मैक्रो के साथ, उसके बाद फॉर्म बनाना, फॉर्म डेटा एंट्री फॉर्म बनाना और पिवट टेबल के बारे में डिस्कस किया था, कैसे रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। इसके बाद आज हम जानेंगे इसके बारे में, सैलरी चार्ट के बारे में। ओके, तो सैलरी चार्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हमें पहले सेट करनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे एक बेसिक सैलरी बनाएंगे, उसके बाद डीए बनाएंगे, डीए मतलब डियरनेस अलावेंस, और एचआरए भी बनाएंगे, हाउस रेंट अलावेंस। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, यहाँ से मर्ज एंटर करके लिखते हैं सैलरी चार्ट, और यहाँ पर हम कुछ काम करते हैं। जैसे क्या मैंने पिछले सेशन बताया था कि इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसका सेट कर सकते हैं एरिया, अगर चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास हैं। जैसे ये जो आपने सेलेक्ट किया, ये फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम वीड, कॉलम की जो वीड आप बढ़ा सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ से आप करना क्या, आप लिखो यहाँ पे सीरियल नंबर पहले, जरूरी है, यहाँ लिख दो आप एम्प्लॉय नेम, यहाँ लिखो डेसिग्नेशन, और यहाँ पर शुरू कर दो आप देखो बेसिक सैलरी, और यहाँ पर ले दो आप डीए। डीए का अर्थ हो जाएगा डियरनेस अलाउंस, मतलब होता है महंगाई भत्ता। और एक और चीज़ जानो, जो महंगाई भत्ता होता है ना, ये किसी भी सिटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर सिटी जितना महंगा होगा, वहाँ सामान खरीदने में कितना पैसा लगता है। जैसे अगर नोएडा की बात की जाए, नोएडा एक ऐसा सिटी है, वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर हम बनारस की सिटी की बात करें तो यहाँ उसके मुकाबले यहाँ पर सस्ता है, ठीक है। अलाहाबाद है, वो भी वहाँ सस्ता है। तो डीए भी वैसे उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है, सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पर जितना खर्च हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, घर रहने के लिए कंपनी देती या उसके बदले में पैसा देती है। इसके बाद है टीए मतलब हो जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कंपनियां कभी ट्रैवलिंग अलाउंस का पैसा भी देती हैं या अपना खुद का उनका प्राइवेट वैन भी होता है। और एक और चीज़ होता है मेडिकल अलाउंस, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा मिलता है। अब हम बात करेंगे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये ऑप्शन अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, यानी एम्प्लॉय द्वारा अर्निंग किया जाता है, और ये जो ऑप्शन होगा इसको कहते हैं हम लोग डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के द्वारा एम्प्लॉय का जो पैसा है उससे काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, सीरियल नंबर हमने दे दिया और इसको ड्रॉ किया। यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नाम दे देते हैं वरिंद्र, उनका डेसिग्नेशन है ये कंपनी के एमडी हैं, इनका सैलरी है कंपनी में कोई भी 80,000 बेसिक है, ठीक है। और इनका जो डीए है, डीए हमने यहाँ बना के रख दिया है, इसको आपने ऐसे रख दो, यहाँ पर लिख दो कि बेसिक सैलरी का कितना मिल रहा है डीए, हम लिख दो 12% मिलता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसे क्या करो, इक्वल टू करो और बेसिक सैलरी पर क्लिक करके उसका एड्रेस ले लो, मल्टीप्लाई करो 12 से, डिवाइड बाय 100, सॉरी डिवाइड बाय 100। इस तरीके से आपको मिल जाएगा बेसिक सैलरी। एचआरए की बात हो रही है तो ये बेसिक सैलरी का 5% मिल रहा है, जो भी कंपनी में निर्धारित होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक बेसिक तरीके से जानना है, हम बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करके 5 लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाई 100 एंटर करेंगे, ये रेडी हो जाएगा। और टीए की बात हो रही है ट्रेवलिंग अलाउंस, ये एक फिक्स होगा, तो आप ये देख सकते हो कि महीने का 1500 रुपये दे रही कंपनी, और इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लेना। मेडिकल अलाउंस के लिए कुछ कंपनी फिक्स देती हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि 2000 रुपये, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर प्लस पॉइंट बनता है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लो। अब देखो वरिंद की बात हो गई, वो एमडी हैं, और सुभाष, ये सुभाष जो है कंपनी के चीफ
मैनेजर हैं और इनकी जो सैलरी है वो यहाँ पे मैनेजर नहीं है, यहाँ पर हम कर सकते हैं मैनेजर, मैनेजर की सैलरी है बेसिक किंग की 70,000 और इनका जो बेसिक सैलरी, देखो एक बार जब हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है यानी कि हमें अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है, ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा, तो क्लिक कर दो सबका, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर सुभाष हो गए, एक और बना लेते हैं कोयल, इनका जो डेसिग्नेशन है कंपनी में ये काम करती हैं एज अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इनका जो बेसिक सैलरी है कंपनी को देती है 40,000 रुपये बेसिक्स। देखो ये ऑटोमेटिक पूरा पूरा बन जाएगा, कुछ और लोग बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं या बना लो फजील, ये कंपनी में एज अ एज अ एम्प्लॉई ये भी है, इनका हम दे दिए यहाँ पे एचआर कंपनी के, इनका बेसिक सैलरी हमने दे दिया। देखो हम बेसिक सैलरी जैसे ऐड करते हैं ना सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, तो एक्सेल पे ये फीचर होता है बहुत ही कमाल का कि एक बार आप फॉर्मूला अप्लाई करो सबके लिए अप्लाई हो जाता है। सो इसके लिए हम यहाँ पे इनका सैलरी दे देते हैं कि इनका सैलरी जो है बेसिक पे 3500 रुपये है, जो सबका आ गया। अब देखो यहाँ पे पीएफ निकालना है हमें, ठीक है, तो पीएफ निकालने का तरीका कि इज इक्वल टू करो और जितना भी है ना सबको प्लस करते जाओ, प्लस किया सॉरी यहाँ पे जो पीएफ का रेट अभी फ़िलहाल चल रहा है 8.85, तो आप फिलहाल के लिए 8% ऐड कर लो कि 8% का डिडक्शन होगा, तो इस चीज़ को निकालने के लिए इज इक्वल टू करो बेसिक पे ले लो और मल्टीप्लाई 8/100। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा यहाँ पे इंक्लूड आ जाएगा, इसको आप ड्रॉप करके रख दो, इसको मैं यहाँ से हटा देते हैं। देखो जब ये बन जाए उसके बाद हम फाइनल देखते हैं नेट सैलरी कितना आया, नेट सैलरी निकालने के लिए इज इक्वल टू करेंगे हम ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, ये वाला भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होगा और ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है और ये वाला जो है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज है, तो इसको हम माइनस करते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इनका सैलरी टोटल आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे इनका बेसिक जो सैलरी था 80,000 था, ये 9600 इसमें जुड़ गया, 4000 जुड़ गया, 1500 जुड़ गया और ये पैसा जुड़ करके ये 6400 माइनस होकर के इनका आगे सैलरी 90,700 और इनका आगे 79,800, ये पूरा पूरा इनका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अगर डेकोरेट करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल ई कर लो, सेट कर लो ढंग से, यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, इसका हेडिंग बनाना चाहो तो इसको आप सेलेक्ट करो, ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे उन्हें बोल्ड कर दिया। देखो एक चीज़ है कि इसको अगर प्रिंट करना हो ना तो प्रिंट करने का एक नॉर्मल तरीका, ऐसे करो कंट्रोल एफ टू करो प्रिंट भी चेक करने के लिए, तो ये बहुत एकदम ब्लैंक आएगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, तो बॉर्डर को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है होम में यहाँ पर ऑल बॉर्डर, सो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेना तो ये आपको एक बॉर्डर दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करो, इसको हेडिंग जैसा बना लो, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जब इसको हम हेडिंग बना देंगे, हेडिंग बन गया, इस तरीके से हम सैलरी चार्ट को यहाँ पर डेवलप करते हैं, ठीक है, इसको हम अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें कलर करके, तो इसको हम थोड़ा मूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा मूव नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखो यहाँ पे
जब हम प्रिंट डेब्यू किए थे यहाँ पर प्रॉब्लम आया था लाइनिंग, तो अगर इसको जब प्रिंट करिएगा कंट्रोल एफ टू करके, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कट गया आपका पीस। तो इसको अगर प्रिंट करना होगा तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना होगा ये पूरा पूरा, और यहाँ पे एक पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया, सो इसको आप क्लिक करो ये पूरा पूरा एरिया सेट हो जाएगा। सो अब इसको आप प्रिंट कर सकते हो। देखो ये जो स्लिप आएगा ना, इसको ओरिएंटेशन आप चेंज कर लेना लैंडस्केप में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, इसको मूव कर लेते हैं। अब ये देख सकते हो यहाँ पर, इसको कंट्रोल एफ टू रूम करें तो और सेट कर लें हल्का सा, कंट्रोल एफ टू, देखो आपको ये पूरा पूरा सैलरी चार्ट मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि इसके साथ आप कुछ और चाहो, और मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, इसके साथ आपको स्लिप में सिग्नेचर भी चाहिए, कंपनी का नाम हो सिग्नेचर हो, तो वो कैसे करोगे? तो इसके लिए करने के लिए हमें पेज लेआउट पे जाना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट टाइटल्स, सो आप प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर, सो आप हेडर पे क्लिक करो। टॉप पोजीशन के लिए यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया कंपनी का नाम, ये कंपनी का नाम है यहाँ पर फ्रेंड सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम डेट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर है, यहाँ पर इंसर्ट डेट है, सो हम इंसर्ट डेट करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो लिखा है कस्टम फुटर, तो कस्टम फुटर पे जाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर की बात हो रही थी, यहाँ पर लिख दो एम्प्लॉय सिग्नेचर, एम्प्लॉय सिग्नेचर, और यहाँ पे ऐड कर लो कंपनी सिग्नेचर। सो इतना करने के बाद ओके करो, और यहाँ पे ओके कर लो। अब इसको कंट्रोल एफ टू करो, अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से ये चीज़ आपको दिख रहा है कंपनी का नाम और डेट, यहाँ एम्प्लॉय का सिग्नेचर, यहाँ पे कंपनी का सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये आपका सैलरी चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है सिग्नेचर के साथ और कंपनी नेम के साथ। तो ये रहा वीडियो का एंड, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अभी आप इसे पिछले का सेशन आपने नहीं देखा हो तो आप जाके सेशन देख सकते हैं।